दोस्तों, कोरोना की महामारी में हम गवर्नमेंट की और बाकी लोगों की सहायता कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले जो लोग गरीब हैं, अगर आप घर पर शांति से रहोगे तो आपको कोरोना होने का चांस नहीं है। अगर आपको एक भी आदमी को टेस्ट कराना पड़ता है तो इसका मतलब गवर्नमेंट को 5,000 रुपये मिनिमम नुकसान होगा, और अगर कोरोना बीमारी हो गई तो आपको गवर्नमेंट को आपके ऊपर मिनिमम 50,000 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। अगर आप घर पे रहते हैं तो आप अपनी गवर्नमेंट को 5,000 से लेकर 50,000 रुपये तक का डोनेशन बिना दिए ही दे सकते हैं। और अगर कोरोना से आप मर गए तो आपका दाह संस्कार भी ढंग से नहीं होगा, आपका पुत्र आपकी मुखाग्नि नहीं दे पाएगा और आपका मोक्ष संभव ही नहीं है। इसलिए शांति से घर पर रहें, कम खाएं, खुश रहें। दूसरा, दुकानदार जो कालाबाजारी कर रहे हैं, आप इस 10-20 दिन में कालाबाजारी करके कुछ पैसे कमा सकते हैं। लेकिन जब ये लॉकडाउन खुलेगा तो जिन जिन ग्राहकों से आपने ज़्यादा पैसे लिए हैं वो आपसे सामान नहीं लेंगे। कम से कम मैं तो कभी नहीं जाऊँगा। और प्रजा, क्योंकि शनि का कारक होता है तो आप प्रजा का या दासों का, कमज़ोर आदमी का शोषण कर रहे हैं तो आपका शनि रुष्ट हो जाएगा और आपको बाद में कर्म दंड भोगने पड़े। तीसरा, जनरल पब्लिक अगर रोड पर कम निकलेगी तो पुलिस को आपको संभालने के लिए ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, जिससे पुलिस उस एनर्जी को दूसरे कामों में लगा सकती है, जैसे मजदूर वगैरह को जो जा रहे हैं उनको खाना खिलाने आदि में पुलिस अपना पार्टिसिपेशन दे सकती है। लेकिन आप घर से निकल रहे हैं इसलिए पुलिस आपको संभालने में लगी हुई है और गरीब आदमी नुकसान उठा रहा है। अगर आप घर पर ही रहेंगे, पुलिस को कोई नुकसान नहीं करेंगे, तो आपका चंद्रमा प्रबल हो जाएगा, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है। जब आप घर पर स्थायी पूर्वक रहेंगे तो चंद्रमा सही हो जाएगा। अगर आप बाहर गाड़ी से घूमते हैं तो आप पेट्रोल वेस्ट कर रहे हैं, जिससे देश को काफ़ी पैसा उसको खरीदने में वेस्ट करना पड़ता है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो गवर्नमेंट इस पैसे को आपकी हेल्थ और फूड सिक्योरिटी पर लगा सकती है। और शनि का कारक तेल है, अगर आप तेल को नहीं जलाएंगे तो शायद शनि भी प्रसन्न हो जाए और आपको तरक्की प्रदान करे। जो लोग मीडियम क्लास और अमीर क्लास से बिलोंग करते हैं, गवर्नमेंट ने इनकम टैक्स में विवाद से विश्वास प्रोग्राम चला रखा है। अगर आपकी कोई छोटी मोटी पेनल्टी हो तो आप 25% पैसा गवर्नमेंट को देकर उस पेनल्टी से मुक्ति पा सकते हैं। इससे गवर्नमेंट को पैसा मिलेगा और आपको मन की शांति और चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, और गवर्नमेंट उस पैसे को अल्टीमेटली फूड और हेल्थ पर यूज कर सकती है। मैं आशा करता हूँ कि आप अगर इनमें से एक भी पॉइंट को अपने जीवन में उतार पाए तो ये देश के लिए, सरकार के लिए, समाज के लिए लाभदायक रहेगा। जय हिंद।